मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, किसी भी नौकरी को पाने की आखिरी सीढ़ी है इंटरव्यू। 15 से 20 मिनट का समय या तो आपका इम्प्रेशन बना सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। ये पल आपके कपड़ों, बॉडी लैंग्वेज, मैनर्स और तो और कपड़ों के रंग पर भी डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि हर रंग कुछ कहता है, तो आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की जॉब में, किस तरह की प्रोफेशनल करियर में इंटरव्यू देते वक्त आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो कि आपका सही इम्प्रेशन सामने वाले पर जमा सकें। बात करेंगे सबसे पहले ब्लू कलर की। ब्लू कलर खासकर नेवी ब्लू इंटरव्यू के लिए बेस्ट माना जाता है। ये शांत, स्थिरता, सच्चाई, विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसके अलावा गहरा रंग अधिकार का भी प्रतीक होता है, जो कि एक इंटरव्यू लेने वाले पर्सन पर आपकी अच्छी छवि बना सकता है। बात करेंगे ग्रे कलर की। इंटरव्यू में पहने जाने वाला ग्रे दूसरा सबसे लोकप्रिय रंग माना जाता है। ये एक पावरफुल लुक देता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ग्रे रंग जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसका ध्यान भी भंग नहीं करता, बल्कि वो आपकी बातों को और आपकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रे रंग आपको कब नहीं पहनना चाहिए। दरअसल ग्रे रंग के कपड़ों को आप कभी भी किसी भी वक्त इंटरव्यू में पहन सकते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने में ये रंग काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इससे आप अपने नए ऑफिस के माहौल के मुताबिक सफ़ेद, पिंक और हरे रंग के कपड़ों के साथ मैच करके पहन सकते हैं। बात करेंगे ब्राउन कलर की। इंटरव्यू के लिए फेवरेट माने जाने वाले लिस्ट में एक और न्यूट्रल कलर आता है, जो कि भूरा है। ये रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस रंग को सुरक्षित, भरोसेमंद और विश्वसनीय भी माना जाता है। अब बात करेंगे कि ये रंग आपको कब नहीं पहनना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने जा रहे हैं जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उन्हें क्रिएटिव एम्प्लॉय की तलाश है, तो भूरे रंग से बचें। दरअसल भूरा रंग सादगी और धीमी गति से बदलाव को स्वीकार करने का संदेश देता है। ये सामने वाले इंसान पर आपकी नकारात्मक इमेज बना सकता है। बात करेंगे ब्लैक कलर की। अगर आप कहीं हाई पोजीशन और फिर किसी ऐसी जगह पर नौकरी के लिए जा रहे हैं जहां का माहौल कंजर्वेटिव है, तो काले रंग के कपड़े आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। ये एक कमांडिंग कलर है जो पावर और अथॉरिटी का संकेत देता है। पर काले रंग के कपड़े आपको कहां नहीं पहनने चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक शांत चित्त दफ्तर में काले रंग के कपड़े माहौल को भारी बना सकते हैं। इस रंग के कपड़े आपको ऑफिस में ओवरवेलमिंग और अनअप्रोचेबल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि लोगों के सामने आपकी इमेज दबाव डालने वाली और आधिकारिक बन सकती है, जिससे कि वो आपसे बात करने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप ओवरवेलमिंग के बजाय अथॉरिटेटिव दिखना चाहते हैं तो काले रंग की टाई, स्कार्फ या एसेसरीज पहन सकते हैं। बात करेंगे अब वाइट कलर की। सफ़ेद रंग के कपड़े सच्चाई, सादगी, सुनिश्चितता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसमें चमक थोड़ी धीमी होती है, जो कि पॉजिटिव संकेत देती है। पर किसी क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट में सफ़ेद या मटमैले रंग के कपड़े सुस्ती का संकेत देते हैं। यही नहीं, ऐसे माहौल में ये आत्मविश्वास की कमी को भी दर्शाते हैं। बात करेंगे अब रेड कलर की। रेड एक पावरफुल कलर है जो ऊर्जा, जुनून और इच्छा का प्रतीक है। एक इंटरव्यू में पहनने के लिए ये रंग उपयुक्त माना जाता है। ये सामने वाले पर आपकी बोल्ड और दबंग इमेज बनाता है। लेकिन लाल रंग को कब नहीं पहनना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। लाल रंग को एक प्रबल और तेज़ रंग माना जाता है, जो आपकी इमेज आक्रामक, विद्रोही बना सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रेड कलर के कपड़ों को दूसरे रंग के कपड़ों के साथ मिलाकर पहने। बात करेंगे ग्रीन, पर्पल, येलो और ऑरेंज कलर की। ये चारों ही रंग फन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी दर्शाते हैं। हरा रंग शांति और अच्छाई का प्रतीक है। बैंगनी रंग कलात्मक और अद्वितीय। पीला रंग आशावाद और रचनात्मकता।
जबकि नारंगी रंग अनप्रोफेशनलिज्म दर्शाता है। आपको बता दें कि इंटरव्यू देते वक्त खासकर नारंगी रंग सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाता। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये रंग आपको कब नहीं पहनना चाहिए। ये सभी रंग क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होते हैं, जबकि बाकी के वर्क प्लेस में इन रंगों के कपड़ों को थोड़ा रिस्की माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप इन रंगों की एसेसरीज के रूप में किसी इंटरव्यू में पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। तो ये थे वो कलर जो कि इंटरव्यू देते वक्त सामने वाले पर आपकी छवि अच्छी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं रंगों से जुड़ी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इन बातों का ख्याल रखते हुए ही इंटरव्यू में अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करेंगे। इसी खास जानकारी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।